प्रिय दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड नंबर 85 का भाग दो है। तो यदि आपने हमारा एपिसोड नंबर 85 नहीं देखा हो तो कृपया वह एपिसोड भी जरूर देख लें। एक तरफ जहां दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस में से तकरीबन 100 स्टार्स कहां और कैसे गायब हो गए, तो दूसरी तरफ हमें अपनी रिसर्च में एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात का पता चला है जो इस बात का बेहद साफ प्रमाण हो सकता है कि वह गायब स्टार्स दरअसल तारे नहीं बल्कि मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे मदरशिप यूएफओ भी कहा जा सकता है। सन 2000 के शुरुआती समय में एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था जॉन लेनार्ड वॉल्सन, उन्होंने अपनी सीमित आमदनी के चलते कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि उनके टेलीस्कोप ने ऐसी ऐसी तस्वीरें खींच डाली जो आज भी एक अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। एक बेहतरीन जुगाड़ से उन्होंने अपने टेलीस्कोप के साथ एक सस्ते कैमकॉर्डर को अटैच किया और फिर वह स्पेस में स्थित ओरायन बेल्ट वाले तारों की खोजबीन करने में लग गए और जल्द ही उनके टेलीस्कोप द्वारा बहुत ही रहस्यमयी आकृतियां कैद होने लगीं। ये सभी नज़ारे इतने चौंकाने वाले थे कि अमेरिकी सरकार ने तुरंत इन वीडियोस को बैन कर दिया, मगर जब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ये वीडियोस दुनिया भर में आग की तरह फैल चुके थे। इसके बाद एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन वीडियोस को फेक करार देने की मुहिम छेड़ दी गई, लेकिन तमाम वीडियो एक्सपर्ट्स ने इन वीडियोस को सच्चा माना और इन वीडियोस में दिख रहे विशालकाय यूएफओस को स्पेस में स्थित बहुत ही रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स भी माना। अब सभी का बस यही सवाल था कि अगर ये मेगा स्ट्रक्चर्स एक सच्चाई है तो आखिर इन्हें किसने बनाया? क्या यह इंसानों द्वारा बनाया गया है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रशिया को मिलकर भी आईएसएस, जिसे कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करने में अप्रोक्सीमेटली 10 वर्षों का लंबा समय लग गया था। और यह तमाम मेगा स्ट्रक्चर्स या यूएफओस तो पृथ्वी से कोसों दूर हैं और आईएसएस से कई गुना ज्यादा विशालकाय और विचित्र रूप और आकार के नजर आते हैं। वैसे भी ह्यूमन इंटेलिजेंस या साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि इस तरीके के स्पेस में घूमते मेगा स्ट्रक्चर्स यूएफओस का निर्माण कर सके। अब ये सारी बातें यही इशारा करती हैं कि हो ना हो, ये सब किसी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसे आज भी एक आम इंसान से छिपा कर रखा गया है। लेकिन वहीं इंसानों को इन यूएफओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें तो आपस में लड़ने और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और दुश्मनी पालने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है।
अभी तो इंसान बहुत बिजी है इन कामों में। आप गूगल यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो। आप अपने मकान मालिक को, अपने बॉस को जहां आप नौकरी करते हैं, इन तमाम कामों के लिए अपनी डिटेल्स विवरण का यूज़ करते हैं और अपना जो भी विवरण है उसे जमा करवाते हैं। लेकिन जब भारत सरकार NPR, जो हर देश में होता है और जो बहुत ही अहम तकनीक है किसी भी देश की सुख सुविधा में सुधार के लिए, आप में से बहुत सारे लोग किसी के बहकावे में आकर अपनी ही सरकार का बेवजह विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपना सच्चा विवरण अपने ही सरकार को कभी नहीं देंगे। तो हमारा ये आग्रह है हमारे देशवासियों से कि अगर आपको CAA, NRC, NPR को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मगर इन फालतू के हिंसक प्रदर्शनों से दूर रहिए। ऐसे हिंसक प्रोटेस्ट की वजह से हमारे देश के दुश्मनों को और बल मिलता है, देश का नाम या छवि तो खराब होती ही है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो आम लोग ही होते हैं। खैर, चलिए अब वापिस आते हैं और आज के एपिसोड पर जो हम बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। यहां हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आज जितनी भी रहस्यमय तस्वीरें आपने देखी उनका वीडियो भी जरूर उपलब्ध है। तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं, बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हमारे चैनल नंबर 2 यानी तीसरी आंख 2 चैनल पर जाकर उन वीडियोस को क्लिक करके देखना है। तीसरी आंख 2 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।